नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ए प्लस स्टडी चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ढेर सारे कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, लोको पायलट, बहुत ढेर सारे में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहता है सुपर टेट। जी हाँ, सुपर टेट, जो भी आपके कंप्यूटर अदर कंपिटेटिव एग्जाम्स हैं, सभी कंपटीशन एग्जामों के बारे में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज उसको हम लेके आए हैं, जिसका नाम है लाइट। तो साइंस यानी साइंस में है हमारे पास लाइट, और लाइट का मतलब ये हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान। क्या है? सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। सुपर टेट में 10 नंबर के लिए सामान्य विज्ञान पूछी जाती है, जिसमें से हम लोग एक टॉपिक को आज हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप ध्यान से देखें। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में लाइट अर्थात लाइट मतलब प्रकाश। क्या है प्रकाश? क्या है प्रकाश? प्रकाश क्या है? अंधकार और प्रकाश, ज्ञान और अज्ञान। जिस प्रकार से ज्ञान और अज्ञान, उसी प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर। क्या प्रकाश और अंधकार? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश अगर हम बात करें तो बेटा, कुछ लोग कहते हैं क्या कि दैट इज अ लाइक अ एनर्जी, कुछ लोग कहते हैं दैट इज अ लाइक अ पार्टिकल, कुछ लोग कहते हैं दैट इज अ लाइक अ वेव। किस साइंटिस्ट ने क्या कहा, आज हम लोग उस बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं प्रकाश की। तो प्रकाश, बिल्कुल सही सुना आपने, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, दैट इज क्रिएट अ सेंसेशन इन अवर आइज, जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके कुछ मोस्ट अकरिंग्स इवेंट्स होती हैं हमारे पास, जिनके इवेंट्स की चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों से नेचर ऑफ लाइट, साइंटिस्ट क्या कहते हैं इस बारे में कि प्रकाश क्या है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, नेचर ऑफ लाइट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करें, प्रकाश क्या है? सबसे पहले साइंटिस्ट, अगर वो ना होते तो शायद फिजिक्स ना होती, और फिजिक्स ना होती तो मैं आपके सामने ना होता। तो मैं फिजिक्स गुरु अमित फिर से आपके अपने ए प्लस स्टडी में। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करें, सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम था, जी हाँ, जो आपने सही सोचा वही नाम है आपका, न्यूटन। कौन? न्यूटन। न्यूटन नाम के साइंटिस्ट में इसने अपने व्यू दिए, और उनका कहना था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकलों के फॉर्म में चलता है। किसके फॉर्म में चलता है भाई? पार्टिकलों के फॉर्म में चलता है, छोटे छोटे पार्टिकलों के फॉर्म में चलता है। तो मैं इसके सामने लिख देता हूं ए जायजा कणिका। क्या लिख देता हूं? पार्टिकल माने कण और कण माने कणिका। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंपल सा क्वेश्चन, कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सिंपल जवाब क्या हुआ? न्यूटन। क्या जवाब है? न्यूटन, सही बात। तो इन्होंने कहा कि एक प्रकार की कणिका है, तो ठीक है, अगर हमने भी मान लिया कि भाई कणिका है, और अगर कणिका है तो प्रकाश की दो इवेंट होती है, कौन कौन सी? रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन माने अपवर्तन, रिफ्लेक्शन माने परावर्तन। अगले वीडियो में इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन और परावर्तन के बारे में इनसे पूछा गया कि बताइए भाई रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन में लाइट रेज वापस क्यों आ जाती है, रिफ्रैक्शन में अंदर क्यों चली जाती है। तो अंदर और बाहर जाना, इसके बारे में जो हम लोग बात करें, तो इन्होंने जवाब क्या दिया, रिफ्लेक्शन में कोई लाइट आई, आने के बाद मीडियम से टकराई, टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस हो गई। जब इस कंडीशन को उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था कि इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बोले तो रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बोले तो रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स लगता है। ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगता है। उसके बाद दूसरी इवेंट यहीं पर पूछ ली गई कि आप बताइए भैया अपवर्तन यानी रेज गई और आर पार होने के बाद डिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है, ऐसे उधर क्यों निकल गई, अगर रिफ्लेक्शन होना था तो वापस आना चाहिए लेकिन उधर क्यों गई। तो इनका जवाब था इनके बीच में आकर्षण लगता है, आकर्षण लगता है। अगर आकर्षण एक जगह, प्रतिकर्षण एक जगह, आकर्षण घटना हुई, तो क्या यह संभव है? नहीं है। जिसके कारण से इनका सिद्धांत क्या? खल्लास। क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए हमारे, दूसरे साइंटिस्ट, जिनका नाम था हाइजेंस। क्या नाम था? हाइजेंस। हाइजेंस नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि ये कणिका नहीं भैया, यह एक यांत्रिक तरंग है। क्या है? यांत्रिक तरंग है।
अब आप लोग पूछेंगे कि यांत्रिक तरंग क्या है, तो पहले हम थोड़े से चर्चा कर लेंगे तरंग के बारे में। व्हाट इज तरंग? तरंग मतलब वेव। तो वेव क्या है? वेव लाइका डिस्टरबेंस। बस आपको इतनी दिमाग में रखना है, क्या? वेव लाइका डिस्टरबेंस, जहां भी डिस्टरबेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। वेव इज आर टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। कौन कौन सी? मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। मैकेनिकल वेव बोले तो यांत्रिक तरंग, और इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये दो प्रकार की होती है ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या दोस्तों? ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, और ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। तो ये तो हमने थोड़ी सी बात करी, लेकिन आपको फोकस किस में करना है? यांत्रिक तरंगें, जिसको लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइजेंस से जब इस बारे में पूछा गया, इन्होंने कहा मैकेनिकल वेव है, इन्होंने रिफ्लेक्शन बता दिया, जब बात आई किसकी? मीडियम की। बताइए सन से जो लाइट अर्थ तक आती है वो कैसे आती है? क्योंकि बीच में तो वैक्यूम भी है, बोल है कि नहीं है भाई? है। अगर बीच में वैक्यूम भी है तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम नहीं होता है, फिर लाइट को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? यांत्रिक तरंग। मतलब तुम गलत हो। हाइजेंस साहब से जब ऐसी बात की गई तो हाइजेंस साहब हो गए गुस्सा, क्या हो गए? नाराज। और नाराज होने के बाद उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम का नाम बताया। वो काल्पनिक माध्यम का नाम है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, उस काल्पनिक माध्यम का नाम है, जल्दी कमेंट करें, काल्पनिक माध्यम का नाम क्या है? ईथर। क्या? ईथर भाई, वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, डाइएथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ईथर। वो सिर्फ उनका काल्पनिक नाम था, ईथर की डिस्कवरी आज तक नहीं हो पाई, और जब तक ईथर की डिस्कवरी नहीं हो जाती है तब तक हम इस सिद्धांत को गलत नहीं कह सकते हैं। मतलब इनका कहना क्या था कि ये किस फॉर्म में चलती है? वेव के फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। इनका कहना क्या था? ये किस फॉर्म में चलता है? पार्टिकल के फॉर्म में। चौथे तीसरे साइंटिस्ट आए उसके बाद, जिनका नाम था मैक्सवेल। भैया ये चोर वैज्ञानिक था। कैसा था? चोर वैज्ञानिक था। मैं इस पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कैसा समझिएगा, इन्होंने इसको कॉपीराइट किया, इसको चुराया। ये भी उसी फोरम में इनके सिद्धांत को पढ़ रहे थे, इनके सिद्धांत को देख रहे थे, और देखते हुए इन्होंने अनुभव क्या किया मैक्सवेल ने, इन्होंने गलती देखी कहां पर? माध्यम के चक्कर में फंस गए। तो माध्यम के चक्कर में इन्होंने क्या किया? नाम ही बदल दिया। सीधे बोला भैया ये यांत्रिक तरंग नहीं, क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। पूछो भाई क्वेश्चन कहां से पूछोगे? क्यों? माध्यम का चक्कर ही खत्म, बाकी सारी चीजें तो वही है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, इनका भी सिद्धांत सही हो गया। लेकिन आगे जाने के बाद कॉम्पैक्ट इफेक्ट, रमन इफेक्ट जैसे बड़े एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? इनका भी माध्यम फेल। फिर चौथे साइंटिस्ट आए, अब इनके बीच में आपस में झगड़ा होने लगा। भाई न्यूटन कह रहा है मेरा सही है, हाइजेंस कह रहा है मेरा सही है, मैक्सवेल कह रहा है मेरा सही है। तो लास्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था भाई प्लैंक। क्या नाम था? प्लैंक। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। कौन? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इन्होंने वही क्वांटम थ्योरी दी, और इन्होंने किनका कहना क्या था कि प्लैंक का कहना था कि ये ना तो कणिका के रूप में चलता है, ना यांत्रिक तरंग के रूप में चलता है, ना ही विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, ये छोटे छोटे पैकेज या बंडलों के फॉर्म में चलता है, छोटे छोटे पैकेज या बंडलों के फॉर्म में चलता है। दीज पैकेज और बंडल इज नोन एज क्वांटा और फोटोन। दीज पैकेज और बंडल इज नोन एज क्वांटा और फोटोन। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्वांटा या फोटोन। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, क्वांटा या फोटोन। तो एक प्रकार से यहां पर हमारे पास बताइए कितने प्रश्न बन गए। पहला, कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने। यांत्रिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन वेव नेचर का प्रतिपादन हाइजेंस। विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रतिपादन मैक्सवेल। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन प्लैंक। प्लैंक का नाम क्या था उसके अकॉर्डिंग? क्वांटा या फोटोन। एक क्वांटा या फोटोन की एनर्जी E बराबर h न्यू होती है। E बराबर h न्यू होती है, जहां पर E हमारे लिए एनर्जी, h हमारे लिए प्लैंक नीतांक, न्यू हमारे लिए आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, न्यू हमारे लिए आवृत्ति। तो इस कंडीशन पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने चार वैज्ञानिकों का नाम, ये हम लोगों ने जाना प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में न्यूटन, हाइजेंस, मैक्सवेल। अब हम लोग प्रकाश की एक घटना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है, मैंने जो मोस्ट अकरिंग आपको घटनाएं बताई, कि जिस प्रकाश की हम लोग बात कर रहे हैं इसको हम लोग एक्चुअली में ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा? पहले हमारे पास रे ऑप्टिक्स,
दूसरा हमारे लिए वेब ऑप्टिक्स। अभी हमने रे ऑप्टिक्स और वेब ऑप्टिक्स के बारे में भी आपको बताया। रे ऑप्टिक्स का मतलब ज्यामिति, जिसमें से रे के बारे में बताया जाए, यानी किरणों के बारे में बताया जाए। वेब ऑप्टिक्स का मतलब जब यहां पर उसके नेचर के बारे में बताया जाए, जो हमने प्रकाश के नेचर के बारे में जाना। तो पहले अभी हम लोग बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स की, और रे ऑप्टिक्स की दो जो मोस्ट अकरिंग घटनाएं हैं जिनके हमने नाम लिए थे, कौन कौन सा? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन हमारे लिए क्या है? तो परावर्तन के बारे में अगर चर्चा करें, अगर एक प्रश्न जनरली पूछा जाए, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, किस घटना के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं? ऑप्शन है आपके लिए परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण। सही जवाब, एक बार प्रश्न फिर से, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। सही ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण। तो सही जवाब होगा आपका परावर्तन। किसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं? परावर्तन के कारण। आज आप मुझे देख पा रहे हैं किसके कारण? परावर्तन के कारण। लाइट रे जा रही, मुझ में पड़ी, कैमरे में गई, क्या हुआ? क्यों कैमरे में गई? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। जितनी क्लियरिटी वीडियो की आ रही है वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन। किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। तो परावर्तन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है भैया मिरर। क्या है? मिरर। मिरर मतलब दर्पण। दर्पण, दर्पण आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सा? दर्पण की अगर पहली बात करें तो भैया समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और दूसरा आपका गोलीय दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को फिर दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? भैया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से, तो यहां तक शायद मैं आज अभी नहीं पहुंचूंगा। अगले वीडियो में आपको पार्ट टू में भी इसका बनाऊंगा, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इस कंडीशन पर हम थोड़ा सा बस एक टॉपिक पर, एक पॉइंट पर चर्चा कर लेंगे, जिसका नाम है परावर्तन। परावर्तन की अगर हम बात करें तो मान लिया कि ये हमारे लिए एक मिरर है या कोई चिकना तल है। अगर चिकने तल में कोई प्रकाश किरण, अगर किसी चिकने तल में कोई प्रकाश किरण जाती है, मान लिया यहां से हमने एक सोर्स से एक प्रकाश किरण भेज दी, जैसे ही ये प्रकाश किरण गई तो जो जाने वाली किरण है उसका नाम होगा आपतित किरण। क्या नाम होगा? आपतित किरण, आपतित किरण। इसके बाद में यहां से आपको एक 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसका नाम होगा नॉर्मल अर्थात अभिलंब। क्या नाम होगा? अभिलंब। प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में अगर वापस आ गई तो ये घटना हमारी कहलाएगी परावर्तन, और आने वाली जो रेज है इसका नाम होगा परावर्तित किरण। क्या नाम होगा? परावर्तित किरण। इसका नाम क्या होगा? अभिलंब। क्या नाम होगा? अभिलंब। इस वाले पॉइंट का नाम क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। क्या नाम होगा? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपका ओ, और ये जो एंगल आपतन आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है इसका नाम होगा आई। नाम देंगे हम इसको आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण माने इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। इस कंडीशन पर हमारे पास क्या है? आर। आर माने, आर माने परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना है आपतित किरण, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर होते हैं, और एंगल आई बराबर एंगल आर। मेन घटना है हमारे पास एंगल आई बराबर एंगल आर।
तो ये मैंने बात करी किसकी, परावर्तन के नियम की, परावर्तन के अनुप्रयोग क्या होंगे, परावर्तन कैसे किया जाएगा, समतल प्रश्नों पर परावर्तन कैसे होगा या लेंस पर आपके मिरर में परावर्तन कैसे होगा, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ ए प्लस स्टडी में। धन्यवाद।